हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नाज़मीन। आज हम बना रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस दाल बाटी। तो चलिए इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बराबर पर जो बेल का आइकॉन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो दाल बाटी बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 1 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून हमारे पास है धनिया, अखा धनिया, और 1 कली हमने लिया है लहसुन। और यहाँ पे हमारे पास है 1 किलो गेहूं का आटा, जिसके अंदर हम 250 ग्राम सूजी डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे कलौंजी यानी कि मंगरेल, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और फिर हमने जो अभी पेस्ट बनाया है धनिया, लहसुन और सौंफ का, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। तो देखिए इस तरीके से हमें रब कर करके आटे को बहुत ही अच्छे से मसल मसल के गूंदना है। देखिए इस तरीके का आपका बॉल फॉर्म होना चाहिए आटे से। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी और पानी डाल डाल के इसका हम आटा गूंद लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर पानी ऐड करिए। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन। मैं अजवाइन डालना पहले भूल गई थी इसलिए मैंने बीच में ही ऐड कर दिया है। और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका बहुत सख्त आटा गूंदा है, यानी कि आटा आपका नरम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की हम लोई बनाएंगे, जैसे हम रोटी वगैरह के लिए बनाते हैं ना। और अब हम बनाएंगे दाल। तो यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च 6 से 7 और 1 कली लहसुन। और यहाँ पे हमने लिए दाल, तो हमारे पास है 100 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम तुअर की दाल, और जो 100 ग्राम सफ़ेद उड़द की दाल होती है वो, और 100 ग्राम मसूर की दाल। आप चाहे तो सिर्फ खाली तुअर की जैसे दाल बनती वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 प्याज और 1 टमाटर और थोड़ा सा तेज पत्ता, उसको हम पानी के अंदर डाल के चढ़ा देंगे। और जो हमने अभी मिर्ची और लहसुन पीसा था वो भी ऐड कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा जीरा 1 टीस्पून के करीब और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। दाल आप थोड़ी मसालेदार बनाए तभी आपको दाल बाटी के साथ खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने बाटी को उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया है एक स्टील के बर्तन में, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल। और जो हमने बाटी बनाई है सारी हमारी इस पानी के अंदर डाल देंगे। देखिए आप इसे इस तरीके से फुल भर सकते हैं और फिर देखिए बॉईल आ जाएगा। जैसी आपको इसे 10 मिनट तक पकाना है, जब तक ये अच्छे से अंदर तक के पक ना जाए। तो देखिए बॉईल आने के बाद भी हमें इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो बस अब हम उतार लेंगे हमारी बाटी को और ऐसे एक झारे के मदद से पानी ड्रेन करके इसे एक थाले में निकाल लेंगे। तो इसे हमने टोटल 15 मिनट तक पकाया है और अब हम इसे करेंगे कट। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बाटी को रख दिया है और इस तरीके से मैं 3 टुकड़े करूँगी बाटी के। जब ये अच्छी क्रिस्पी बनेगी आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने किया है ऑयल को हीट। तो गरम तेल के अंदर मैं हमारी जो बाटी है जिसको हमने अभी कट करके रखा हुआ था वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। तो जितनी आपके तेल में एडजस्ट हो पाए आप उतनी इसके अंदर डाल दें। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो चलते दाल की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। तो हम दाल को अब उतार लेंगे और दाल में लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और 2 लाल मिर्च को बीच से टुकड़े करके डाल दिया मैंने। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता और थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। तो पहले हम इन सारी चीजों को थोड़ा तड़क लेने देंगे, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन और आधा का भी आधा कटा हुआ कांदा यानी कि प्याज। और इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो दाल की फ्लेम है उसको बंद नहीं किया अभी। तो जब हमारा तड़का गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्का हल्का, इसमें का जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे दाल की और इसके अंदर तड़का डाल के बस ढक्कन ढक दें। और इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा धनिया जिससे कि दाल में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये हमारी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी मसालेदार दाल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जो है बाटी को हम तल रहे हैं तो वो भी अच्छे से तल चुकी है। बस 1 मिनट में हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि जो इसका तेल है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे हमारी दाल बाटी रेडी हो चुकी है। इसके साथ आप कटा हुआ कांदा टमाटर रखें, दाल सर्व करें और तीखी तीखी हरी चटनी डालें और देसी घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना।